सो फाइनली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नए मिशन को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है एरियल स्पेस मिशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्पेस मिशन है अगर इसकी बात की जाए। एरियल जो इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इन्फ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, तो इसके फुल फॉर्म में ही इसका ऑब्जेक्टिव छुपा है। ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इन 2029, और इसका जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि लगभग 4 साल तक ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनको ये सर्वे करेगा और जो भी उनसे रिलेटेड जानकारी है वो जानकारी हासिल करेगा। एरियल मिशन की बात की जाए ये एक फर्स्ट मिशन ही है ऑफ इट्स काइंड जो कि डेडिकेटेड है टू मेजर द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड थर्मल स्ट्रक्चर, मतलब जो एक्सोप्लैनेट्स हैं इनके केमिकल कॉम्पोजिशन को और इनका जो थर्मल स्ट्रक्चर है उसको ये मेज़र करेगा। तो बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो प्रश्न हैं एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड जो कि आंसर हो पाएंगे बेस्ड ऑन डेटा, जो डेटा आपके शेयर किया जाएगा इस एरियल मिशन के द्वारा। अगर बात की जाए एक्सोप्लैनेट्स की तो बहुत सारे लगभग अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 4000 एक्सोप्लैनेट्स हैं जो कि कंफर्म्ड माने जाते हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं? ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं, जैसे हमारे पास सन है, सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि किसी दूसरे स्टार के अराउंड ये घूम रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि क्योंकि ये दूसरे स्टार के अराउंड घूम रहे हैं और हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अर्थ के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और एक रेंज तक उस पर हमारा रिसर्च भी लगातार चल रहा है। नासा ने भी कई सारे मिशन सेंड किए हैं, जैसे नासा का ही कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप भी इस पर डेडिकेटेड है, कैप्लर मिशन भी इसके लिए डेडिकेटेड है। सो स्टडी लगातार ये होती रहती है कि जो दूसरे स्टार हैं, सन के तरह मिलियंस ऑफ दूसरे स्टार्स हैं और ये जो स्टार्स हैं इन स्टार्स के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर। जैसे अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ की एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है सन से, इसी तरीके से अगर दूसरे स्टार के एकदम जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो, मतलब ना बहुत क्लोज हो, क्योंकि अगर क्लोज होगी तो वो वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, और बहुत दूर होगी तब भी लाइफ वहाँ सस्टेन नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और बहुत क्लोज होगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो ऐसे सिचुएशन में ये सर्च किया जाता है कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत ही क्लोज हैं, मतलब हैबिटेबल जोन पर है, गोल्डीलॉक जोन पर है, और अगर वो प्लैनेट के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती है, जानकारी इंक्रीज होती है, सो उससे हम ये जान पाएंगे कि क्या इन प्लैनेट्स पर जो कि हैबिटेबल जोन पर ही लोकेटेड हैं क्या ये पॉसिबल है लाइफ सस्टेन करने के लिए। तो इसी पर लगातार रिसर्च हो रही है और बहुत सारे हमारे कई प्रकार के डाउट भी रहते हैं, कई प्रकार के उन डाउट को क्लियर करने के लिए कई प्रकार के मिशंस भी सेंड किए गए हैं नासा के द्वारा। एरियल जो स्पेस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो ये लॉन्च किया जाएगा 2029 में, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा।